इस वक्त हम पागनगर चौक में खड़े हैं जहां पर बट टिक्का की ओपनिंग है। आए देखते हैं कि ये दुकान पर इतना रश है और आखिर लोहरी जो है वो साबित कर रहे हैं कि लोहरी खाबा ना खाया तो वो लोहरी नहीं होता। आए जनाब हम इंटरव्यू करते हैं कि जो इन्होंने ये दुकान शुरू की है आखिर वो कौन सी खूबी है यहाँ पर रश ही रश लगा हुआ है। ये भाईजान इस आप खाएंगे आपको पता चलेगा ये बहुत आला टिक्का है। बारबेक्यू में बट टिक्का शॉप का एक नाम है। तो ये जो काम शुरू किया आपने आपके साथ कौन है? आपके साथ भी है और उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। आए इनसे पूछते हैं कि ये दुकान का अगर क्यों खोली है और इसमें क्या खूबी होगी कि जो लोग इतने रश में आपके पास आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यहाँ पे दुकान खोलने का एक मकसद है कि यहाँ पे हमारे इलाके में कोई इतना कोई टेस्ट इतना डेवलप नहीं था और इंशाल्लाह हम एक अच्छा टेस्ट भी देंगे और उसके साथ साथ हम लो रेट पे लोगों को एक बेहतर सहूलत देंगे और उनके घर की दहलीज तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे उनको। तो इस काम में आपको किसने मशवरा दिया कि इतना खूबसूरत काम जो है ना लोहरी बड़े मशहूर है कि लोहरी खाबा ना खाता तो लोहरी नहीं, तो आप किसने मशवरा दिया ये काम शुरू किया है? नहीं ये काम हम काफ़ी देर से कर रहे थे लेकिन ये हमारी ये दूसरी शाख है ये वाली। पहले हम ये चौक नाथा के करीब दुकान कर रहे थे और उसके बाद हमने ये अपने पाकनगर चौक में यहाँ पे शॉप ही कोई नहीं थी तो हमने ये इसको शुरू किया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा और लोगों की फलाह के लिए काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और हमारे सबके एम पी चोई शोकर साहब से पूछते हैं कि आज जो आपने टेस्ट किया खाने का वो आम दुकानों से बेहतर है या वैसे ही है? माशा है लाहौरी खाना जी, माशाल्लाह लोग इंशाल्लाह ग्वाल मंडी और फूड स्ट्रीट इंशाल्लाह भूल जाएंगे इंशाल्लाह, बड़ा मज़ेदार है। सही। और मियार में इसके मजीद जो है ना इसमें रेट्स के बारे में जो है? नहीं मैं तो पहले से जानता हूँ जी इंशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा है, टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह दुकान का जो आगाज़ किया है इस इलाके में, क्या समझते हैं कि आखिर ये जो टेस्ट है इसको बेहतर बनाने के लिए आपने क्या स्टेप जो ना वो किया है इसमें? नहीं इसमें ये है कि जी हमने मसाला जात बहुत अच्छे और अच्छी क्वालिटी के और आला इस्तेमाल किए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, इंशाल्लाह आवाम को पसंद भी आएगा क्योंकि पहले से हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह शादियों के फंक्शन ये वो सारा सिस्टम हमारा चल रहा है तो ये हमने नई शाख खोली है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आवाम रिस्पॉन्स अच्छा देंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हम अपने वाइस सीनियर वाइस ऑफ चेयरमैन वाइस ऑफ जनरल पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर शाइस्ते क्लास से पूछते हैं कि आपने आज ओपनिंग की है तो यहाँ का टेस्ट कैसा लगा है? अस्सलाम वालेकुम नदीम शहजाद साहब, शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि ये पाकनगर चौक में जैसे ये गहमा गहमी है ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि बट टिक्का वाले जो हैं ये लोगों का उन पर एतमाद है। उम्मीद है कि जो हाफिज़ अनवार साहब और हाफिज़ इमरान साहब और जो ये बट साहब ने किया काम, अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत है तौफीक दे और ये जिस तरीके से साफ़ सुथरा काम नज़र आ रहा है इसको कंटिन्यू रखे अपने काम को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अच्छे टिक्का कबाब है, इतनी रश है, इतना का रश है कि बहुत मज़ेदार है। अभी आज ओपनिंग हुई है। शेख साहब क्या आपने टिक्का कबाब खाया, क्या महसूस करते हैं? पाँच मोहत है, खाता है, चंगा है, अगो भी खावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे कि बहुत जबरदस्त है, कैसा है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कितना मजा आया? बहुत मजा आया, अल्लाह पाक इनका काम ज्यादा चलाए जी। बाबा जी आपने खा के देखा कैसा है टिक्का कबाब? बहुत मजा आया, बहुत मजेदार है। ठीक हो गया।